सबसे पहले अमिताभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सरकार की ओर से लगातार बीते 5 घंटे बड़ी बैठक की गई है और हर एक बात दोनों के बीच हुई भी है, सकारात्मक भी ये बैठक कही गई है। क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में बृजभूषण सनन सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन देश देख सकता है या फिर अभी इंतजार करना होगा? चित्रा जी, धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने के लिए जो मुझे मौका मिला है। और दूसरी बात, मैं ये आपको विषय पे कहना ये चाहूंगा कि मेरा जो दायरा है विचार का और मेरी जानकारी का, उसके आधार पे मैं जो कानूनी पहलू है उसकी और जो उससे संभावित पक्ष है वो, ये दोनों में रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो जो इसकी कानूनी पक्ष है उसकी दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि FIR दर्ज हो चुकी है और आपके ही इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पूछताछ हुई है और पूछताछ लगातार जो आरोपी है उनसे और आरोपी के साथ साथ जो भी साथ में गवाह हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। और FIR का मतलब कतई नहीं होता है कि जो अपराध हो गया वो सिद्ध हो गया, उसके बाद जो जानकारी या जो तफ्तीश जिसको या कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन, वो IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा। और क्या उसके यही बाद बातें वो अपनी पॉक्सको एक्ट में भी लागू होती हैं? बिल्कुल होती है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पॉस्को एक्ट के नाते उसके बारे में जो हवा खड़ा किया गया है, पॉस्को एक्ट एक बहुत ही सुंदर एक्ट बनाया गया है विचार करके। उसके सेक्शन 8 और 12 की धाराएं इस पर लागू होती हैं और ये दोनों 8 और 12 धाराएं जो हैं वो धाराएं नॉन कॉग्निजेबल वेलेबल ऑफेंसेस नंबर है। इसमें लोग कहते हैं पॉस्को एक्ट हुआ और उसको अंदर कर दो, ऐसी ऐसी धारणा फैलाना निहायत ही गलत और मुझे लगता है आपराधिक मनोवृत्ति का है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब ये इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें ऐसा लगेगा पुलिस को कि हाँ कोई वाकई में अपराध हुआ है, तो उसके बाद वो चार्जशीट फाइल करेगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद यदि उसको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें अपराधी हैं या अभियुक्त है, माफी चाहता हूँ, अभियुक्त है, कोई भी अपराधी तब तक सिद्ध नहीं होता अपराधी। लेकिन खिलाड़ी तो गिरफ्तारी से कम पर मानने को तैयार नहीं है, उनके ओर से बकायदा शर्तें रखी गई हैं सरकार के सामने। नहीं, अब मैं एक चीज बताऊं कि मैंने शुरू से कहा चित्रा जी, आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल पे भी मैंने शुरू से पहले दिन से बोला, जिस दिन माहौल बहुत चार्ज था, मैंने कहा था आई मे बी साउंडिंग लाइक डेविल्स एडवोकेट, मैं हो सकता है कि विपरीत धारा में बहता हुआ व्यक्ति दिखूं, लेकिन मैं हमेशा कानून की दृष्टि से बात करूंगा और जो चीजें चल रही है उस दृष्टि से कानून की चीजें तय नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया और उसके बाद उसने निष्पक्ष मतलब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो कही, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात जो कही है वो दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना ही अभियुक्त की ओर से और ना ही आरोपी की ओर से। आपकी बात मैं समझ गई हूँ। कंक्लूड करता हूँ, बस कंक्लूड करता हूँ कि अभी की स्थिति यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगा और उसमें यदि कोई लोग अब सड़कों की जो ये टैक्टिक्स थी जिसमें आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स बोलते हैं उससे न्याय नहीं होता है, उसमें खाप पंचायत इन्वॉल्व हो गई, ये सारी चीजें बहुत ही शर्मनाक है, ये कानूनी मते पे नहीं होता है। लेकिन अब उनको यदि सहमति आई है और चर्चा करें, बोल लोकतंत्र में चर्चा की गुंजाइश हमेशा उनकी है, किसको सहमति आई है? सहमति आई है जो लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन से नहीं होता है विषय, आंदोलन से नहीं होता है ये विषय कानून से ही चलेगा। जब सुनेगी नहीं तो आंदोलन ही तो रास्ता रह जाता है। नहीं नहीं, चित्रा जी मैं अभी किसी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ। हाँ। मैं जितना मैंने अखबार में पढ़ा है, जो न्यूज में पढ़ा है, तो जब आप बोलेंगे कि सहमति आ गई है, मतलब इसके पहले उनको सहमति नहीं थी क्या? खेल मंत्री ने पहले दिन ही कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी और खेल मंत्री के कमेटी में मैरी कॉम जैसी प्रतिष्ठित जो खिलाड़ी रही हैं, यही तो बात है ना कि सरकार की ओर से कमेटी गठित की गई, बड़े बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया गया, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर सरकार पहलवानों के साथ नहीं पहुंच पाई है। यही तो बड़ा सवाल है। जनवरी से लगातार वो धरना दे रहे थे, बीच में बातचीत हुई, वो वापस लौटे, उसके बाद फिर उनको वापस आना पड़ा। उनकी बातों को भी समझना होगा। महिला पहलवानों ने इस देश का मान बढ़ाया है, उस खबर की संवेदनशीलता को समझने की कोशिश होगी। घनश्याम तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, पूरे मामले में लेकिन राजनीति भी तो घुस गई है ना, मतलब पहलवानों की आड़ में ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दल जो बहती हुई गंगा है उसमें हाथ धोने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। सरकार बार बार बातचीत कर रही है, आज ही 5 घंटे की बड़ी बैठक अनुराग ठाकुर के साथ हुई है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर क्या राजनीति करने पर नहीं तुले हुए हैं घनश्याम तिवारी जी, जो आरोप लग रहे हैं? आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अगर आप अपनी आवाज सामने स्क्रीन पर अनम्यूट कर लें खुद को। और को पैनलिस्ट को ओके, भारतीय जनता पार्टी राजनीति की सूत्रप्रखा है, जहां पर हमारी बेटियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन्हें जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे अमिताभ सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के
कार्यक्रम के सदस्य रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन बेटियों को सद्बुद्धि आ गई है, शर्म आनी चाहिए। चित्रा जी आपको इनको सुधारना चाहिए। बातों को गलत तरीके से लिया गया। ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके उनकी बात हो जाए प्लीज, अमिताभ जी उनकी बात हो जाए। हाँ ठीक है, आप सुधार दीजिएगा। एक बार घनश्याम जी की बात पहले, ठीक है, अपने समय पर बोलिए। बोलिए जनता पार्टी के महिला मंत्री भागती हुई नजर आती हैं, स्मृति ईरानी ट्वीट के रिप्लाई डिलीट करती हुई नजर आती हैं, छुपाते हुए नजर आती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज राजनीति की सुर्खियां है। इनको किसी चीज से शर्म नहीं आती, ऐसा लगता है कि रावण और दुर्योधन दुशासन सभी लोग मिल करके हमारे देश की बेटियों के खिलाफ खड़े हैं। और अगर इन्हें अभी शर्म नहीं आ रही तो इन्हें इंडियन एक्सप्रेस या तमाम अखबारों का पृष्ठ पढ़ना चाहिए, यहाँ पर बेटियों के साथ जो जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो लिखा हुआ है। इस देश में एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख से अधिक ऐसे केसेस हर साल होते हैं जहां पर रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या अन्य असॉल्ट महिलाओं के ऊपर किया जाता है। क्या अब हर बेटी को जाके अमित शाह से मीटिंग करनी पड़ेगी और उस खेल मंत्री से मीटिंग करनी पड़ेगी जो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, जिन्होंने कहा 12 से मीटिंग चली थी जबकि 2-4 मिनट पहलवानों ने कहा? क्या उसको ANI से लड़ना पड़ेगा? क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री जो अपने मुंह में दही जमा करके बैठ गई हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनसे लड़ने पड़ेगा? इस देश के खिलाड़ियों को किस किस से लड़ना पड़ेगा? ऐसा लगता है कि ये सवाल जहां पे एक सांसद के ऊपर 1000 जो आरोप है, 1000 ऐसे केसेस का आरोप है, उस सांसद के पीछे प्रधानमंत्री हनुमान बन के खड़े हैं, स्मृति ईरानी हनुमान बन के खड़ी है, अमित शाह हनुमान बन के खड़े हैं, ऐसा तो तालिबान में भी नहीं होता है। तो ये दुखद है कि रावण, दुशासन, दुर्योधन के सारे साम्राज्य को लेकर के एक सरकार देश में रामराज स्थापित करने जा रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, देश की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। 140 दिन से अधिक हो चुके हैं और अगर सांसद जेल में नहीं है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि जिस तरीके से बिल्किस बानो के रेपिस्ट को इन्होंने छोड़ा, उन्हें मंच दिया, जिस तरीके से बाबू बजरंगी को इन्होंने छोड़ा और उसे मंच दिया, उसी तरीके से ब्रजभूषण भी इनके लिए पद्म विभूषण के हकदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज इन्हीं तरह के लोगों की पार्टी बनी हुई है। आप ADRBK का रिपोर्ट देखिए जो कहता है कि देश के सबसे अधिक सांसद और विधायक अगर जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध के जिनके ऊपर मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ का जो नारा है वो नारा नहीं है, वो चेतावनी है कि अगर आपके घर में बेटी है तो उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसको अमित शाह से जाके लड़ना पड़ेगा। सर यही तो बात है ना कि जब अपने ऊपर आती है तो हम फिर अलग रुख अख्तियार कर लेते हैं, जब दूसरी पार्टी की आती है तो उसको सूपनखा बता देते हैं। गायत्री प्रजापति का मामला भी इस देश ने देखा था। गायत्री प्रजापति के ऊपर जब इसी तरह के बेहद गंभीर आरोप लगे थे तो आपके ही बड़े नेताओं ने कैसे प्रचार प्रसार किया था उनके लिए अमेठी में जाकर। हम सब यही तो बात है ना कि बेटियों के मामले में चरित्र एक जैसा नजर क्यों नहीं आता है? तमाम दलों का चरित्र एक जैसा नजर क्यों नहीं आता है? मैं जवाब लूंगी आपसे लेकिन बाकी लोगों की भी जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। सर हमने गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के नेता के मामले में आप लोगों का रुख वैसा ही देखा था। एक वाक्य का जवाब बोलिए। देश में ऐसा कौन सा नेता है जिसके ऊपर 1000 बेटियों के शोषण का आरोप है? हाँ। और वो कह रहा है कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री खड़े हैं, JP नड्डा खड़े हैं, अमित शाह खड़े हैं। उन्होंने कब ये कहा कि मेरे पीछे मोदी खड़े हैं, अमित शाह खड़े हैं? कब का है ये बयान बताइए जरा, मैं चेक करवाती हूँ। मैं निकलवाती हूँ ना वो बयान, मैं सुनाती हूँ देश को कि जिसके ऊपर 1000 रेप के आरोप लगे हैं जैसा कि आप बोल रहे हैं, क्या उन्होंने कहा है कि PM मेरे पीछे खड़े, मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होगा? कब का है बयान बताइए, मैं तुरंत चलवाऊंगी।